सुनील जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल बांग्लादेश की अगर पर कैपिटा इनकम ज्यादा है उसमें हमें कोई रिग्रेट नहीं है, कोई उसमें अफसोस नहीं है, ना कोई उनसे हमारे को कोई जेलेसी है, ना कंपैरिजन है, ना हम उनके साथ कोई वी हैव नो ईर्ष्या उनके साथ. बट देन यस, दिस इज डेफिनेटली अ मैटर फॉर इंट्रोस्पेक्शन. वी डेफिनेटली नीड टू सी वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग. एंड मैं एक जो आपका टॉपिक है इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगा. It is not just per capita income. If you look at the disparity of income which we have in our country, yani ki gareeb aur ameer ki jo ek jisko ek kaha jata hai ek khai jo uske beech mein hai, agar hum us data ko bhi saath mein rakh ke chale, then we definitely feel that as far as jo hamari country ke jo lower income wali jo strata hai, jo ek very huge section of our population is definitely a very deprived section. तो अगर मैं अगर इस अगर कंपैरिजन अगर देखूं तो इसके अंदर इंडिया कम्स एज द टॉप थर्ड कंट्री एज फार एज डिस्पैरिटी ऑफ इनकम इज कंसर्न्ड. एंड इंडिया की जो है टॉप 10% जो पॉपुलेशन है दैट टेक्स अवे 56% ऑफ द रिसोर्सेज जो है दे इनकम बिलोंग्स टू ओनली द टॉप 10%. That means 90% of the population gets only 44% of the income. If you look at the disparity, then this per capita जो हमारा बांग्लादेश से कम है, and believe me, अगर हम इसको disparity of income भी अपनी compare करें अगर बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश is way ahead of us. मतलब हमारे यहाँ पे disparity between अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज़्यादा है as compared to what is there in Bangladesh. This was my opening remark. So my feeling is we can discuss at length as to why it is happening. I agree with Ruchi when she said कि इसको कोई हमें ईर्ष्या की बात नहीं है, बट देन इंट्रोस्पेक्शन की बात जरूर है. हमें एक सोचना जरूर चाहिए कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हम कहाँ गलती कर रहे हैं. बिल्कुल सही बात है कि सोचना जरूर चाहिए कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं. राजेश जी देखिए, मैंने अभी वक्ताओं की तीनों की बातें सुनी और मेरा सोचना यह है कि हमें इसको एक समग्र रूप से देखना पड़ेगा. बहुत से पैरामीटर्स हैं जहाँ पर बांग्लादेश हमसे आगे है, कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जहाँ हम भी आगे हैं. और ज्ञान तो जैसे वक्ताओं ने कहा कहीं से भी मिले हमें लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. अगर कोई लर्निंग्स हमें मिल रही है बांग्लादेश से हमें अवश्य लेनी चाहिए. अब मैं अगर कुछ पॉजिटिव डेटा की बात करूँ तो देखिए, फर्टिलिटी रेट बांग्लादेश इज वे अहेड ऑफ अस. दे हैड डन अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट सिंस 1960 ऑनवर्ड्स. मॉर्टेलिटी रेट अगेन दे आर हमारे से आगे हैं उसमें भी. वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 69 ईयर्स की है, उनकी 73 ईयर्स की है, वहाँ भी आगे हैं. तो ऐसे काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप पाएंगे कि बांग्लादेश हमसे आगे है. अब कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स की बात करते हैं जहाँ हम भी आगे हैं. ऐसा नहीं है कि वही आगे हैं. एक क्रेडिट स्विस वेल्थ रिपोर्ट है 2019 की. उस वेल्थ रिपोर्ट के हिसाब से बांग्लादेश में एवरेज वेल्थ पर पर्सन 6,600 यूएस डॉलर है. कंपेयर टू दैट इंडिया में है 14,600 यूएस डॉलर. अगर हम मीडियम वेल्थ की बात भी करें, बिकॉज एवरेज जैसा कि सुनील जी ने भी कहा डिस्टॉर्शन हो जाता है, अमीर गरीब की खाई ज्यादा है, तो मीडियम की बात करते हैं. मीडियम में उनके यहाँ 2,800 यूएस डॉलर है पर पर्सन, हमारे यहाँ 3,000 यूएस डॉलर पर पर्सन. सो इस तरह की अगर हम समग्र तरीके से इसको देखें तो जो डेटा पॉइंट्स हैं वो दोनों तरह की चीज़ें सजेस्ट कर रहे हैं. प्लस IMF की जिस रिपोर्ट की हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं उसमें सुभाष जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि उसी डेटा पॉइंट को अगर हम परचेस प्राइस पैरिटी के बेस पे देखें तो हम बांग्लादेश से आगे हो जाते हैं. तो एक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. प्लस वही रिपोर्ट ये भी कहती है कि चूंकि कोविड की वजह से इंडियन इकोनॉमी में 10% का गिरावट आई है, जब ये बाउंस बैक करेगी तब हम उनसे आगे निकल जाएंगे 2021-22 में. तो इसको अगर हम समग्र रूप से देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश ने कुछ अच्छा नहीं किया, जरूर उन्होंने कुछ बहुत कुछ अच्छा किया होगा और वो हमारा मित्र देश है, हमें समझना और सीखना भी चाहिए. बट एट द सेम टाइम एक बैलेंस व्यू लेकर चलें तो काफ़ी हमारे में अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ उनसे सीखने वाली बात भी है. दो तीन उनकी इंडस्ट्रीज मेन है, मे बी उसकी चर्चा मैं अगले डिस्कशन में करता हूँ इसके बाद. जी उसके बाद आते नीता जी.
थैंक यू रविंद्र जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. मैं काफ़ी समय से टेक्सटाइल ट्रेड में हूँ और 20-25 साल से मैंने बांग्लादेश में भी काम किया है. बांग्लादेश के साथ मेरा मतलब है काम किया है और बाकी कंट्रीज़ के साथ काम किया है. और मुझे ये लगता है कि लॉकडाउन के जो चैलेंजेस थे वो हर कंट्री के साथ आए. हम लोग थोड़ा ज़्यादा बिखर गए. बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए. मैं इस बारे में आई लाइक टू रियली अप्रिशिएट शेख हसीना जी. आई मीन शी रियली टुक अ लॉट ऑफ स्टेप्स. उनकी नंबर वन टेक्सटाइल्स है जो उनकी इकोनॉमी बूस्टर है. उन्होंने इतना कुछ काम किया माइक्रो फाइनेंसिंग में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ कि उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रुकने नहीं दिया. जस्ट अ मिनट, आई थिंक आई कैन यू सी मी. बिल्कुल हम देख पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं आप. तो जब ये IMF की रिपोर्ट आई कुछ महीने पहले कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो उनसे कम हो गया है बांग्लादेश से, तो मुझे इस बारे में थोड़ा दुख भी हुआ. बिकॉज हमारी इकोनॉमी किस हद तक लॉकडाउन की वजह से गिरी कि हम वर्स्ट अफेक्टेड हो गए. तो मुझे लगता है कि जैसे रुचि जी भी कह रही थी और बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे हैं और आई टोटली एग्री विद इट दैट वी हैव टू टेक इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम बांग्लादेश कि उन्होंने चाहे वो सेकेंड वेव आई कोविड में, उन्होंने जो उनकी मेन इंडस्ट्री थी उसको बिल्कुल भी रुकने नहीं दिया. और इसी वजह से वो धीरे धीरे अगर हम देखें हर जगह इकोनॉमी में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं. तो आई थिंक एज अ नेशन एज अ कंट्री इंडिया हैज़ टू लर्न अ लॉट क्योंकि हमने स्लो डाउन देखा है और हमारी इकोनॉमी काफ़ी हद तक स्लो हुई है लॉकडाउन की वजह से. काफ़ी उसमें हम काफ़ी नहीं आगे जाएंगे कि किस वजह से हमने ये अपॉर्चुनिटीज लूज की हैं. पर हाँ, हमें बांग्लादेश के साथ हमें सीखना चाहिए उन्होंने जिस तरह से. बिल्कुल सुमेश अरोड़ा जी. देखिए ऐसा है कि इस हम मोड को डिनायल मोड में नहीं रह सकते कि बांग्लादेश इज फास्ट ब्रिजिंग गैप एंड इन द मिड टर्म इट हैज डन मच बेटर देन इंडिया. इसकी GDP ग्रोथ जो है अब उनका नंबर 6-8 में चल रहे हैं, इंडिया के एवरेज 6 चल रहे हैं, तो 2-3% का फर्क आ रहा है मिड टर्म में. बट दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न. पाकिस्तान हमसे काफ़ी ऊंचा था पर कैपिटा इनकम में 90s में, अब वो बुरी तरह से पीछे पिछड़ गया. तो कहीं होते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कई फैक्टर्स जिसकी वजह से ये ऊपर नीचे चलता रहता है. बट येस डेफिनेटली इन थ्री फ्रंट्स दे हैव डन मच बेटर देन अस. एक तो ये है कि उन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ रखा, जो मेरे एक मित्र ने भी बात कही सुनील अरोड़ा जी ने भी, उनकी इंक्लूसिव ग्रोथ विमेन को एम्प्लॉयमेंट देती है, ग्रामीण लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है और लोगों को रेमिटेंसेस के लिए प्रेरित करती है. उनकी लेबर फोर्स बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी कर रही है, बेटर देन इंडिया. दे आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड देयर रेमिटेंसेस आर फास्ट कैचिंग अप विद अस. उनकी $18 बिलियन रेमिटेंस है, $85 हमारी है. हमारा साइज जो है उनसे पॉपुलेशन का 8 गुना है, मगर उसका जो गैप है वो 3-4 गुना रह गया, 4-5 गुना फॉरन रेमिटेंसेज का. सेकेंड फैक्टर ये है कि उनकी इंक्लूसिव ग्रोथ रही है, उसका क्रेडिट जो है दो बंदों को जाता है. एक तो मोहम्मद यूनिस को जिसने ग्रामीण बैंक चलाया और वहाँ पे ही वाज़ अ गेम चेंजर. उसका एफर्ट जो था क्रॉलिंग एफर्ट ओवर इयर्स 90 से लेकर अभी तक, उसने छोटे छोटे लोन्स दिए ग्रामीण एरिया में जाके, औरतों से डिपॉजिट लिए, औरतों को ही एंटरप्राइज बनाया और लेबर को इतना कैपेबल बनाया दैट दे आर एम्प्लॉयबल एल्सवेयर, जो हम चूक गए कहीं ना कहीं. हमारा सेम किस्म का मॉडल सिर्फ मिलता है हमें एमुलमैन में. वर्गीज क्यूरियन जी ने वाइट रेवोल्यूशन में वही मॉडल अपनाया था, बट ओनली इन द स्टेट ऑफ गुजरात. सो गुजरात मॉडल जो है वहाँ तक कन्फाइंड रहता है. मोर देन योर पॉलिटिकल लीडरशिप, योर सोशल लीडरशिप मैटर्स अ लॉट. हमारे पास अभी तक मोहम्मद यूनुस नहीं है एंड दैट इज अ वाइटल डिफरेंस, जो गेम चेंजर है. जी तो सबकी बातों से यही आता है कि भाई हम ऐसी स्थिति में हैं कि अभी भी हम बांग्लादेश से हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश यदि अच्छा कर रहा है तो हमें उसे सीखने की भी आवश्यकता है.